हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम साबिया हुसैन जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने जिस गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो थोड़े कम नोन खिलाड़ी है, इंटरनेशनल मास्टर डेनियल क्वाड्री वर्सेस डेविड शंगेलिया। फ्रेंड्स, डेनियल क्वाड्री साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल मास्टर है और वहीं शंगेलिया जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर है। तो चलिए गेम को करता हूँ मैं शुरू। यहाँ डेविड शंगेलिया ने शुरू किया था D4 के साथ, डेविड क्वाड्री ने खेला यहाँ Nf6 C4 हुआ, देन हुआ G6 F3 D5 C6 D5 Nx D5, देन हुआ E4 नाइट पर अटैक हो गया B6 स्क्वायर पर Nc3, देन Bb7 के प्रेशर है, पॉन पुश करना चाहिए लेकिन Bb3 ज्यादा बेटर है क्योंकि डेवलपमेंट फास्ट होती है। व्हाइट ने यहाँ कैसल किया, देन कोई Nd2 स्क्वायर पर, देन Nc6 और फिर दोबारा वही D4 स्क्वायर पर प्रेशर बढ़ा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस गेम में और ज्यादा आगे बढ़ूं, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि डेविड यहाँ ग्रैंड मास्टर है जो व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं और उनकी रेटिंग इस गेम के दौरान 2573 थी। वहीं डेनियल 2416 के साथ इंटरनेशनल मास्टर है साउथ अफ्रीका से। खैर, दोनों खिलाड़ियों में अगर हम बात करें तो रेटिंग वाइज बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक ग्रैंड मास्टर इंटरनेशनल मास्टर का साइकोलॉजिकल डिफरेंस काफी अच्छा होता है। खैर, अभी फिलहाल व्हाइट ने यहाँ कैसल किया लेकिन टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन King B1 A6 हुआ, देन हुआ D5 और नाइट पर बिल्कुल अटैक है और थोड़ी सी क्रैम्प्ड पोजीशन यहाँ ब्लैक की बनती हुई नजर आ रही है। नाइट कहाँ जाना चाहिए? नाइट आई डोंट थिंक कुछ इस तरह से वर्क करेगा ज्यादा अच्छा। Ne7 के ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना, देन हुआ H4 और यहाँ व्हाइट ने भी अपना अटैक लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि वो लग ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर खेला गया था Nb5, लेकिन नाइट मैन्यूवर से ज्यादा बेटर था कि बिशप को बाहर निकाला जाता। Nb5 ऑब्वियस है, अब यहाँ व्हाइट के पास दो चांसेस है, बिशप से इस नाइट को ले या नाइट से नाइट एक्शन को कंप्लीट करता। ब्लैक का अगर बिशप होता तो सिचुएशन थोड़ी दूसरी होती। Bb5 का अपना एक महत्व है, Ax b5 Nx b5 क्वीन पर अटैक बनता और फर्दर ये गेम आगे बढ़ती, लेकिन यहाँ पहले चुना गया Nx b5। Ax b5 होने के बाद Bxb5 क्वीन पहुंची सही स्क्वायर पर, Bd7 बिशप एक्सचेंज आस्किंग है और ये सब करने के बाद यहाँ इस सब प्रोसेस में ब्लैक को ये रुक पर A5 ऊपर मिल चुकी है, ये भी डेडली है। खैर, Bxb7 के ऑप्शन को यहाँ पर पहले व्हाइट ने चुना और देवित अगर देखा जाए तो काफी अग्रेसिव खेल रहे हैं, लेकिन डेनियल नो डाउट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उन्होंने यहाँ पहले अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर ले जाकर मेटल एक्सचेंज अभी नहीं किया, उन्होंने पहले क्वीन पर अटैक बनाया और उसके बाद फर्दर बिल्कुल एग्जैक्टली बिशप को यहाँ टारगेट पे करेंगे ही करेंगे। क्वीन को बचाना बहुत जरूरी है। अब क्वीन के बचने के लिए स्क्वायर से अगर हम काउंट करें तो ध्यान रखने वाली बात यह भी कि B2 स्क्वायर पर भी अटैक है नाइट और क्वीन की वजह से। अब क्वीन को बचा जाए तो कहाँ बचा जाए, काफी ऑप्शन है। क्वीन का E2 स्क्वायर या मेरा मानना है कि C1 C2 ऐसे ही स्क्वायर्स पर बचा जाना चाहिए था। C2 स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि सीधा सीधा बिशप को तो ध्यान रखना है, सॉरी C1 स्क्वायर ही होता, C2 स्क्वायर नहीं होता। तो एक बार मैं देखना चाहूंगा क्वीन का E2 स्क्वायर पर जाना क्या फर्क डालता है, क्योंकि ब्लैक का ऑब्वियस मूव क्या आएगा, उन्हें यहाँ इस बिशप को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले यहाँ Nxe5 Qxe5 देन Qxd7 इस तरह से मेटल एक्सचेंज को करके वो इक्वल किया जा सकता था। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन C1 और यहाँ इस नाइट पर अटैक, लेकिन ना तो यहाँ ब्लैक ने अपने अपने इस नाइट को बचाया और ना ही यहाँ बिशप को बचाया, उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को लिया A6 स्क्वायर पर, नाइट पर डिफेंस हो गया और सीधा सीधा यहाँ A2 पॉन पर अटैक बन गया है। A पॉन पुश वर्क नहीं करेगा मेरे हिसाब से क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको नजर आ गई होगी, बिशप ये चेकमेट ही बना देगी बड़े आराम से इस गेम में। खैर, अब देखा जाए तो करा क्या जाए। फिलहाल मूव है व्हाइट का, व्हाइट ने अपने बिशप को D4 स्क्वायर पर रखा, मेरे हिसाब से काफी लिमिटेड ऑप्शंस थी, काफी कंफ्यूजन भरी सिचुएशन में यहाँ पर व्हाइट होगा। क्वीन टेक्स A2 चेक किया तो सही यहाँ डेनियल, किंग गया C2 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स क्या डेडली अटैक लगाया जा सकता है, अपने अटैक को ऑल ऑफ अ सडन घुसा देना पूरी गेम के अंदर। रुक A3 के ऑप्शन को यहाँ पर चुना गया, हालांकि ठीक है पॉन पिन है, टेम्परेरी पिन है, आपको रुक को हटाना ही होगा, पर हाँ प्रेशर एग्जैक्टली बन रहा है, बिशप जरूर यहाँ एक्सचेंज किए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, बिशप A4 के ऑप्शन को यहाँ पहले
दिवित ने चुना और उनका इरादा क्या है, जो बिशप मेरे पास एक्स्ट्रा था उसको यहाँ दे देता हूँ, कुछ ना कुछ तो जान बचेगी इस पॉइंट से। लेकिन नाइट e3 चेक के ऑप्शन को पहले यहाँ चुना गया। क्यों चुना गया? बिशप टेक्स डिफ्लेक्ट ही कराना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम्स का भंडार आपको नजर आ गया होगा क्या होने वाला है। रुक c3 चेक, और फ्रेंड्स ये है चेक खतरनाक। अब समझ में आती है सारी गेम। यहाँ पर क्वीन व्हाइट को गंवानी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है इसका। किंग गया d2 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स c1, रुक टेक्स c1, क्वीन टेक्स a4। और अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, दो रुक्स के सामने मान लेते हैं क्वीन, नाइट और बिशप के सामने में बिशप और रुक मान लेते हैं, तो गेम ठीक है ब्लैक के फेवर में है, लेकिन फिर भी सिचुएशन विनिंग सिचुएशन है, उसको विन करना तो अलग बात है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, खैर 92 की ऑप्शन को पहले यहाँ व्हाइट ने चुना। व्हाइट की दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि उसके अभी कुछ पीसेस यानी कि नाइट और रुक तो हाथ ही नहीं लगाए, पहली बार नाइट ही लगा इस गेम में। बिशप टेक्स b2 खेला गया, रुक पर अटैक बना, रुक c2 स्क्वायर पर वापस बिशप पर अटैक बनाया गया, लेकिन इस बार आई चेक क्वीन से b4 स्क्वायर से। इससे बचने के लिए नाइट बीच में लगा, रुक गया a8 स्क्वायर पर, और जो लास्ट पीस यहाँ ब्लैक का बचा हुआ था वो भी गेम में इंट्रोड्यूस होने वाला है। बिशप आया c5 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स दिवित भी इतने आराम से गेम को अपने हाथ से नहीं जाने देने वाले। क्वीन पर अटैक बना या बिशप सेक्रीफाइस या बिशप एक्सचेंज गई डिलीट, क्वीन टेक c5, रुक टेक्स b2, थोड़ा ब्रीदर मिला। जब आप फंसे हो तो ज्यादा अच्छा है कि मेटेरियल थोड़ा सा एक्सचेंज कर लो, लेकिन ब्लैक के सामने एडवांटेज ये है कि उसके पीसेस फ्रीली अटैक में लगे हुए हैं। व्हाइट का प्रॉब्लम है कि रुक अभी थोड़ा दूर है, रुक नजदीक होता तो सिचुएशन शायद दूसरी होती। क्वीन d4 चेक, किंग आया c2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक a3 और यहाँ इस नाइट पर अटैक। माय फ्रेंड्स पूरी गेम में व्हाइट की प्रॉब्लम ये रही कि अपने पीसेस को समय पर नहीं ला पाया। वो चाह रहे होंगे कि रुक को किसी तरह से वापस गेम में लेकर आ जाऊं, किसी तरह से d1 स्क्वायर पर रख दूं, या हाँ बिल्कुल, ताकि गेम में थोड़ी कुछ तो मैं खेल सकूं, लेकिन यहाँ फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है। यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को b1 स्क्वायर पर ले जाकर वापस रुक पर अटैक रखा है। तो वैसे तो मेरे हिसाब से तो क्वीन से चेक दी जा सकती थी। खैर यहाँ रुक गया e3 स्क्वायर पर, और रुक के e3 स्क्वायर पर आने के बाद किस एंगल से चेक आएगी ये भी बहुत हद तक क्लियर है। नाइट d2 चेक नहीं आने देनी है, लेकिन रुक c3 चेक तो होगा। किंग यहाँ से गया d1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक d3, रुक अभी भी टच नहीं हो पाया है व्हाइट का। किंग गया c1 स्क्वायर पर, और बताने की जरूरत है फाइनल मूव क्या होना चाहिए, रुक टेक्स d2, मेटल एक्सचेंज करो और बस अनडिफेंडेड रुक तक अटैक बनाओ। फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद दिवित शेंगेलिया ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि डेनियल अब इस गेम को पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं। दिवित क्या करेंगे, रुक टेक्स d2 ही करेंगे। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन a1 चेक होगा, किंग को c2 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, देन क्वीन टेक्स h1, एंड बस क्वीन के सामने रुक करेगा क्या। खैर फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये टफ गेम जरूर पसंद आएगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।